उत्तर प्रदेश बरेली से ब्यूरो चीफ शैलेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। दहेज प्रताड़ना की शिकार विवाहिता ने की आत्महत्या। जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित सीतापुर नेत्र चिकित्सालय में रहने वाले कर्मचारी श्री पाल ने अपनी ग्रेजुएट पुत्री लता का विवाह 2016 में थाना सुभाष नगर बरेली क्षेत्र स्थित 84 घंटा मंदिर के पास रहने वाले जितेंद्र कुमार उर्फ बंटी पुत्र रोशन लाल के साथ बहुत धूमधाम से किया था। बताया जाता है कि पुत्री के विवाह के समय इन्होंने अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दहेज भी दिया था, परंतु 4 बेटियां होने के कारण यह बहुत ज्यादा दहेज नहीं दे पाए थे। दहेज लोभी पति ससुरालियों द्वारा विवाहिता को एक पल भी चैन से जीने न दिया और कम दहेज लाने का ताना देते रहते, जिसके चलते विपक्षी पति द्वारा इस विवाहिता के साथ मारपीट भी की गई थी। गत 8 माह पहले एक पुत्री को जन्म देने के बाद विवाहिता डिप्रेशन में रहने लगी, क्योंकि दहेज लोभी पति व ससुरालियों के प्रताड़ना भरे व्यवहार के चलते वे अपनी नन्ही सी बेटी की चिंता करने लगी थी। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति तलाश करती विवाहिता को एक पल भी सुकून का नहीं मिला। आखिर को 2 दिन पहले अपने मां के आई लता ने मंगलवार की सुबह पिता के घर पर खुद को फांसी पर लटका खुदकुशी कर ली। जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। दामाद व उसके घर वालों को घटना की सूचना देने पर भी दोपहर तक वे लोग अस्पताल नहीं पहुंचे थे, जहां अपनी जिंदगी खत्म कर देने वाली विवाहिता के परिजन गमगीन स्था में विलाप करते नजर आ रहे थे और नन्ही सी अबोध दूध मुही बची को पता नहीं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बताएं क्या नाम है आपका? श्रीपाल है जी। श्रीपाल, अच्छा कहाँ से आए हैं? नौकरी करता हूँ यहाँ सिविल लाइन्स में, नेत्र चिकित्सालय में कार्य रहते हैं। क्या दिक्कत हो गई बताएं? लड़की 2016 में शादी करी थी। बिटिया की? कहाँ पे की थी शादी? सुभाष नगर में नई टंकी बनी है, सुभाष नगर क्षेत्र में की थी, 84 घंटा मंदिर के पास। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या, जब उनके यहाँ गई तो दहेज बहेज मांगने लगे, लड़की डिप्रेशन में आ गई। लड़की पढ़ी लिखी थी, बीए डबल आई में करे हुए। अच्छा जी, इसमें जी 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 दहेज नहीं दे पाए हम। 4 बेटियां दहेज की डिमांड शुरू से कर रहे थे और बेटिया को प्रताड़ित कर रहे थे। इतनी डिप्रेशन में आई, बाको हम इलाज करा रहे थे डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार। अच्छा जी, उनसे मानसिक अवसाद से होकर गुजर रही थी। तो परसों हम डबल आए 1950, तो रोजाना वो घबराहट उनको दे ही रहती थी, तबियत खराब होती थी और ये कहती थी कि मैं मर जाऊंगा। क्या उम्र थी बिटिया की? 28 साल। 28 वर्ष। और शादी को कितना समय हुआ था? 16 में शादी की थी आपने? 5 साल हो गए। तो इसने ससुराल में ही आत्महत्या कर ली? नहीं, हमारे यहाँ करी। आपके घर पे? अच्छा। परसों डबल लेने आई थी, शनिवार इतवार को डबल आए थे, तो एक आध दिन रुकी, बोली रुकी कल चले जाए, कल जाने कह रही थी। कब? गत दिवस की घटना है, कब की घटना है? सवेरे। आज सवेरे की घटना है, जब आपकी विवाहित बेटी ने और ससुरालियों द्वारा दहेज उत्पीड़ना और प्रताड़ित करने के कारण उन्होंने तमाम ऐसे रिकॉर्ड कर रखे उस लड़की को, दबाव बना बना के कि सारी गलती हमारी निकाल। कोई बच्चा है उनके पास? एक लड़की है। कितनी बड़ी है बिटिया? 8 महीने। 8 महीने की बच्ची है। और ससुराल से अभी तक कोई आया यहाँ पर? नहीं आया। नहीं आया, सवेरे 10 फोन कर सकते हैं। पूछिए, ससुराल में खबर की आपने? 10 फोन कर चुके हैं ससुराल में। अच्छा जी, फोन उठा लेंगे। एक भैया उनके पड़ोसी, उनने भी फोन करवाया, उन्हें के पड़ोसी हैं। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं साहब, हम तो सब बर्बाद हो गया हमारा। हमने इतनी मेहनत करी, मियां बीबी रात में लेके जाते थे, वो रात में डॉक्टर दवा देते हैं, धीरेन्द्र कुमार पूरी रात बैठते थे वहाँ दवा लेने के लिए, दिन में ड्यूटी करते थे, रात में दवा लेने जाते थे, पैसा भी खर्च होता था, समय भी बर्बाद होता था। तो आप उनके विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? करेंगे तो जरूर है, जब अभी तक देखो बुलाने से भी नहीं आ रहे हैं। अगर चलो ठीक है जो हो गया, आ जाओ यहाँ आते, कम से कम यहाँ के लोग, अब सभी आप सभी लोग 2-3 लोग आ चुके, तो पूछ रहे हैं यहाँ कोई सफाई नहीं की, राजनीति भी कुछ सही होगी। बेटी जो बीमार चल रही थी आपकी, मेंटल टेंशन चल रहा था, डिप्रेशन चल रहा था, उसका इलाज उन लोगों ने कभी करवाया? कभी नहीं करवाया। अच्छा जी, इतना उतना दिखाया थोड़ा बहुत भूत भगत को बस। आपके दामाद का नाम क्या है? बंटी। क्या करते हैं बंटी? बंटी अपने घर पर रहते हैं, माँ बाप को 60,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, दोनों सफाई कर्मचारी नौकर जिला पंचायत। अच्छा जी, अच्छा, खाली रहते हैं, टेंशन है बाजी घटते रहते हैं लड़की। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहें साहब,
अभी आए ही नहीं, क्या किससे कहें, जो न्याय हो जाए तो ठीक है। एक पिता का दर्द, जिन्होंने अपनी बेटी की कुछ वर्षों पहले ही शादी की थी, बड़े अरमानों के साथ उसे विदा किया था और दहेज प्रताड़ना के कारण बेटी ने घर पर आकर आत्महत्या कर ली है।